यहाँ पे आज अपने सारे सोल ब्रदर्स को करवा चौथ का दिन है, मैं अपने सारे भाइयों को, जितने भाई मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी आज के दिन अपनी तबीयत को बिल्कुल ठीक रखो, अपनी इमोशनल बॉडी को इतना स्ट्रांग कर लो, इससे ज्यादा पत्नी को तुम और कोई खुशी नहीं दे पाओगे कि टेंशन फ्री रहो, कोई भी मन में ऐसा विचार है उनको डिलीट करो, लेट गो करो, क्योंकि तुम हो तो पूरे घर में खुशियां हैं। अपने आप को हेल्दी रखो, वेल्दी रखो, ध्यान करो, जितने मेरे सोल ब्रदर्स हैं, सेंडिंग ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट टू आवर हस्बैंड्स, वी रियली वॉन्ट टू सेंड ऑल द लव, अफेक्शंस, ग्रेटिट्यूड, आपने जो भी दिया। क्या करते हैं वो बेचारे, तो साल में 2 बार कपड़े सिलवाते हैं, एक बार सिलवाते होंगे, और तुम लोग रोज जब बाजार जाते हो एक साड़ी का पैकेट हाथ में होता है, कभी खाली हाथ वापस ही नहीं आते, है ना? तो इतना ग्रेटिट्यूड निकले कि आज आसमान में वो वायु तत्व और आकाश तत्व भी कहे धरती पर क्या मनाया जा रहा है, इतना ग्रेटिट्यूड निकले अपने जीवन साथी के लिए। यही सिखाया जाता है ना जब शादी के साथ फेरे लगाते हो, ये है शादी का बंधन दोस्तों, लाख मना लिए दुनिया साथ ना ये छूटेगा, तेरे सुख मेरे सुख, तेरे दुख मेरे दुख, ये है करवा चौथ। जैसा भी है, कम है तो कम खाएंगे, गम है तो गम खाएंगे, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा है तो सबको देकर सबसे बाद में खाएंगे, ये है पति पत्नी का रिश्ता, ये है करवा चौथ। चौथ जो आती है कभी संकट लेकर कभी दुविधा लेकर, तो यही सब सीखने के लिए ही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। सुख में तो सभी साथ निभाते हैं, कितने रिश्ते हैं जो दुख में साथ निभाते हैं, वो केवल पति पत्नी होती है जो चल देती है सीता मैया की तरह राम के पीछे पीछे 14 वर्ष का वनवास लेके, पूछती भी नहीं है क्यों जा रही हो, क्या माँ इतनी नाराज हो गई कि 14 साल का वनवास, बस चल पड़ी, ये भी नहीं सोचा कल को रावण उठा के ले जाएगा, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की, जंगल के खूंखार जानवरों की भी परवाह नहीं की, ये होती है पत्नी। इतना पवित्र रिश्ता जो शिव और पार्वती का है, देखा है कभी शिव की तरफ, जानते हो कभी 52 शक्तिपीठों की कहानी, जब सती सती हो गई तो किस तरह से शिव ज्ञानी है, ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो भी सती का वियोग नहीं सह कर पा रहे, सारे आकाश में लेके चल रहे हैं, जगह जगह उनके अंग गिर रहे हैं कि कैसे करके, तो ये है पति पत्नी का साथ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखना है पति पत्नी को तो राम और सीता को देखो, शिव और पार्वती को देखो, और अपने आप को ये समझो क्या तुम्हारा पेयर ऐसा है या नहीं है, ऐसा समझो। रुक्मणी की तरह मत बनना, रुक्मणी मत बनना, उसके मन में ईर्ष्या थी राधा के प्रति, अपने आप को चेक करो क्या तुम्हारे मन में वो जो शक्तियां हैं, लोअर एनर्जीज हैं, क्या वो हैं, क्या तुम भी राधा की तरह, क्योंकि राधा को पत्नी बनना ही नहीं था, पति पत्नी का संबंध बंधन का कारण है, बंधन, और कृष्ण और राधा बंधन से परे हैं, उनको बांधा ही नहीं जा सकता, उनका प्रेम वो प्रेम है जिसको कोई धागा बांध ही नहीं सकता। जब कृष्ण ने कहा कि पत्नी तुझे बनाऊंगा तो बंधन हो जाएगा, बंधन हो जाएगा तो बन जाएंगे, लेकिन तेरा और मेरा प्रेम बंधनों से कई गुना ऊपर है। तो आज सबको यही ब्लेस करके बोलूंगी, माय डियर सोल सिस्टर्स, अपने प्रेम को, अपने पति बंधन को, अपने पति परमेश्वर को, जीवन साथी, एक मित्र का एक ऐसा रूप दे दो जो बंधनों से अलग होकर इतनी ऊंचाई पर चला जाए, इतनी ऊंचाई पर चला जाए जो विवाह का बंधन ना रह जाए, जो दोस्ती की उस सुगंध में बदल जाए कि वो हर बात दिल की तुमसे कह सकें, तुमसे छिपाना ना पड़े, अपने दिल की बात कह सकें, तुम उन्हें अपने दिल की बात कह सको, आज के दिन ऐसा देखना चांद, ऐसा देखना, ऐसी प्रार्थना करना। थैंक यू सो मच।